ज्योतिर्मठरे बर्तमान आम आसी पहुंचीछ। ज्योतिर्मठ अनेक चित्र आम देखु कि कल्पवृक्ष कथा कह जाए जोटी शंकराचार्य निजे तपस्या करते अढ़े हजार से गच्छ को बीतीगला। आम बर्तमान से आखिर पाखे पहुंचीछ। आप देखिपे पचपटे गोटे ये जो अच्छी ये जो ज्योतिर्मठर अच्छी ज्योतिर्मठ गोटे फाट आसी ये फाट हुए तो से ही फाट हो पाए जमीक अनेक घरे फाट देखा जा दुई तीन चार तारिख भितर विष्णु प्रियानंद जी आम सहित अच्छा ज्योतिर्मठ सेवक तांक सहित आलोचना करवा कौन रही कौन स्थिति थिला ये जो दीवार पे दरार आया है बहुत से दीवार पे ये उसी दिन आया था या बाद में आपको पता चला था? नहीं उसी दिन तो नहीं आया, पहले दीवार तो ये है जब यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा है डोली गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट विष्णु घाट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं, तो एक डेढ़ साल पहले वहाँ पे आपदा थी। अच्छा। ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था, फटा था, तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा है उसकी वजह से यहाँ पे दरार आई थी। अब ये पिछले 15 दिनों से ज़्यादा ही यहाँ पे ये डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, पहले इतना नहीं था। हाँ दरारें तो थी लेकिन हल्की थी क्योंकि ये तो काफ़ी देर से ये समस्या जोशीमठ की बनी हुई है, ये नई समस्या नहीं है। नई समस्या नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाला गया है, यहाँ पे कुछ हवन का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या कार्यक्रम है सुप्रीम कोर्ट में, क्या अर्जी डाला गया है? हाँ तो हमने अभी तो पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ आए थे, लोगों के घरों में गए थे, उन्होंने अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की, उनको यथासंभव मदद करने की पेशकश की और यहाँ कर भी रहे हैं। यहाँ भी आप हमारा यहाँ भंडारा चल रहा है और जितने भी विस्थापित लोग हैं उनके लिए हमारा मठ खुला है, किसी को सूखा राशन दे रहे हैं, भोजन भी यहाँ पे करवा रहे हैं और रहने की व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं और साथ ही साथ नरसिंह मंदिर में वहाँ पे हमारा शत चंडी पाठ जो है इस क्षेत्र की सुख शांति के लिए वो हम वहाँ पे कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी शुरू हुआ है वो चल रहा है। नरसिंह मंदिर में हमारा शत चंडी पाठ जो है वो वहाँ पे निरंतर चल रहा है और उसके बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है, हम यहाँ अपने मठ में भी वो पाठ करवाना शुरू कर रहे हैं। मचा हुआ है, लोगों के अंदर भय है, वातावरण क्रिएट हो रहा है, तो लोगों को क्या परामर्श दे रहे हैं क्योंकि काफी लोग आपके पास भी आ रहे होंगे डर के? हाँ इस समय तो यही है कि लोग तो आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम तो इसमें यही कह रहे हैं कि भगवान पे विश्वास रखें, जल्दी ही कोई ना कोई इसका समाधान मिलेगा। जो एक बात एक वायरल भी हो रहा है कि 2500 पहले ही शंकराचार्य जी ने बता दिए थे कि जब वो तपस्या करने आए थे कि ये ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ स्थान है, यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ या भविष्य में काम नहीं होना चाहिए तो सेफ रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो इस मठ के शंकराचार्य थे 45th शंकराचार्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने 12 साल पहले यहाँ चटा दिया था कि इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो जो बेगुनाह लोग हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सारे बड़े बड़े होटल हो या दीवार जो बन रहा है कि पाँच से सात फ्लोर उसका भी असर पड़ सकता है पहाड़ पे? नहीं नहीं नेचुरली वो तो पड़े, हम आपको पहले बता दें अभी 2 साल फिर अभी पूज्य पाद शंकराचार्य जो वर्तमान शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जब हम आपको बताए कि ये आपदा आई थी रैनी गंगा डोली प्रोजेक्ट जो बता रहे हैं विष्णु घाट प्रोजेक्ट, उसमें जब ये समस्या आई तो लोगों ने उन्होंने तभी चेताया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, ये जो पूरा क्षेत्र है ये खाली ये ग्लेशियर पे बसा हुआ क्षेत्र है, ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तभी उन्होंने चेताया था। आपण शुणुले प्रधान सेवक आम सहित थे कहते ये एक पूरा ग्लेशियर उपर रही ये सहर एटी अधिक रु अधिक जनसंख्या कंस्ट्रक्शन बहुत हो तो कारण चित्र सामना को आसमें अपेक्षा करूँ। नृसिंहनाथ मंदिर में यज्ञ चली सबकि ठीक हो जाऊ, लोक मैंने पुणि थे निज घर को फेरतु निजर बासस्थान को फेरतु, एटी समस्त व्यवस्था करा जा लोकों पर। ज्योतिर्मठ रु कैमेरा पर्सन आदित्य सहित अर्गस न्यूज़।